दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है। आज सफरनामे में हमारे साथ हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिन्हों के जीवन से बहुत कुछ हम आप सीख सकते हैं। किस प्रकार से जीवन में एक प्रकार की परेशानी झेलते हुए आज एक सफल व्यक्ति के तौर पर ललितपुर में जनसेवा कर रहे हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। विधायक जी, थोड़े से जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे हम। आप बचपन कैसा कटा आपका? देखिए सौरभ जी, शुद्ध किसान परिवार का व्यक्ति हूँ। हमारे माँ बाप खेतीबाड़ी करके और दूसरों की खेतीबाड़ी करके अपने परिवार की गुजर बसर करते रहे। हम पांच भाई हैं। पांच में चारों भाई हमारे अशिक्षित और खेती कम करने वाले हैं। हमको वो पढ़ाते रहे और उन्हीं भाइयों की कृपा से हम बीए एलएलबी तक की पढ़ाई पूरी की। झांसी में पढ़ते हुए हमने एलएलबी जब कर रहे थे, वहाँ ट्यूशन का काम किया, पुस्तकालय से किताबें लेकर के पढ़ाई की, वजीफा लिया और तब जा कर के हम इस स्थिति में आए कि हम लॉ का एग्ज़ाम पास कर चुके। हमने वकालत प्रैक्टिस शुरू की। हमारे सीनियर अजित कुमार जैन थे, उनके पास हम गए कि हमें जूनियर बना लो। चार छः दिन हम रहे और उनने हमको एक एजेंसी पे, प्राइवेट एजेंसी पर काम करने के लिए लगा दिया, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर एजेंसी पर। वहाँ हमने 1800 रुपये महीने की तय हुई और 1200 रुपया उसने हमको देना शुरू किया वेतन। तो हमारे एक मित्र थे राजेश चौबे, वो भी अजित कुमार जैन जी के जूनियर थे। उन्होंने कहा रामरतन कोई दिक्कत हो तो बताना। एक दिन अचानक वे एजेंसी पर पहुँच गए तो मैंने उनसे कहा कि महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन ये एजेंसी मालिक हमसे 1800 रुपये पर दस्तखत कराता है और 1200 रुपया देता है। उन्होंने उसी टाइम उस जैन को घर आया और कहा साले 1800 रुपये के हिसाब से वेतन इनका पूरा दे। उनके सामने उसने दो महीने का हमारा हिसाब किया और हाथ जोड़ के कहा विधायक वकील साहब आप जाओ अपनी वकालत करो, हमें नहीं काम कराने। बस हम चले आए तहसील, बैठे तहसील में बैठे बैठे अपने बलबूते प्रैक्टिस शुरू की और फिर उसके बाद हम कचहरी बैठने लगे। कचहरी में हमने अपना अच्छा खासा काम जमाया और जनता का इतना बढ़िया सपोर्ट मिला कि वकालत के आधार पर हमने अपने जनसेवा को शुरू करने का काम शुरू कर दिया। राजनीति उदय आपकी वहीं वकालत के पेशे से हमारी राजनीति शुरू होती है। पहले हम अकेले कुशवाहा समाज की राजनीति की, सामाजिक संगठनों को इकट्ठा किया, समाज को बांधने जोड़ने का काम किया। नगर अध्यक्ष कुशवाहा समाज के बने और एक बार बुंदेलखंड क्षेत्र के कुशवाहा समाज के महामंत्री भी रहे। फिर संघ की शाखा में हमने जाना शुरू किया। एलएलबी पढ़ने के बाद ही 83 में हमने शाखा ज्वाइन की। 83-84 में हमारे जिला प्रचारक त्रिवेदी जी, जयप्रकाश त्रिवेदी हुआ करते थे, उन्होंने उठा के मुझे भाजपा में भेजने का काम किया और 89 में नगर महामंत्री बन करके हम भाजपा में काम शुरू करना शुरू कर दिए। यानी संघ की शाखा से संघ के बौद्धिक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन करते हुए हम भाजपा में आए थे और पार्टी ने लगातार हमको आगे बढ़ाने का काम किया। दो बार नगर महामंत्री रहे, तीसरी बार हम जिले के महामंत्री बने, जिले के उपाध्यक्ष बने और इस बीच चेयरमैनी का चुनाव आया 97 में। उस चुनाव में हमारे सांसद अग्नोत्री जी ने हमारा टिकट ना देके नीलम सिंह को टिकट दे दिया। काफ़ी विरोध के जद्दोजहद के बाद हम लोग नीलम सिंह को जिता ले गए, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा होता है। हमने आवेश में आकर के शिवसेना से एक चुनाव लड़ने का काम किया। उस चुनाव में हमारा बहुत अच्छा वोट आया, अपने बलबूते हमने 11,000 वोट हासिल किए। वो पहला हमारा चुनाव था राजनीतिक दृष्टि से। भाजपा वालों ने फिर हमको पकड़ा कि ये तो वापस में इसको रखना ज़रूरी है, तो हमने उनसे ये की कहा कि देखो हमको आज नहीं तो कल चुनाव लड़ना है, चाहे नगर पालिका लड़ाओ चाहे विधानसभा लड़ाओ, लेकिन चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा हम लड़ाएंगे समय आने दें। फिर हम पार्टी का काम करते रहे और निष्ठा से काम किया। फिर पार्टी ने हमको बुंदेलखंड क्षेत्र जब बना तो क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री बनाया। क्षेत्रीय मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद हमको क्षेत्र का सीधा अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने, क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया। और अध्यक्षीय कार्यकाल में हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के 8 जिलों में जम के पार्टी का काम किया, घर में रहना छोड़ दिया। और चूँकि पत्नी का हमारा सहयोग बहुत अधिक है, हमारी पत्नी स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हें राजनीति करनी है, हम समझ गए राजनीति करो, लेकिन घर से पैसे मत मांगना। तो वो घर तो हमारा नौकरी से उनकी चलता रहा, लेकिन वकालत के पैसे से हमने
धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम प्रारंभ किया। परिणति ये हुई 2012 में पार्टी ने हमको टिकट दिया विधानसभा का, और बिल्कुल 8 दिन का हमको चुनाव का समय मिला। लास्ट में नामांकन के 1 दिन पहले मात्र टिकट हुआ, लेकिन हमने नामांकन किया, चुनाव लड़े और पार्टी में चुनाव में हमने 54,000 वोट प्राप्त किया। यानी पहले हमारे प्रत्याशी को जो वोट मिलता था वो जीत का ये अधिकतम वोट होता था, और हमसे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र पार्टी को 5,000 वोट आया था। उस 5,000 को 54,000 वोट किया, लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत विकट वोट ले गए। और हमने हारने के बाद जनता जनार्दन में मिष्ठान का वितरण किया, धन्यवाद आभार प्रकट किया कि आपने कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को इस मुकाम पर लाने का काम किया कि जिसकी हैसियत खुद की कुछ नहीं, लेकिन जनता ने आज उसकी हैसियत को आगे बढ़ाने का काम किया। 2017 में पार्टी ने हमको फिर से टिकट दिया, और आप सबकी नज़र में रहा पार्टी का टिकट, जिस ढंग से मिला पार्टी ने चुनाव में हमारी मदद की, और उस चुनाव को हमने 68,000 वोटों से जीतने का काम किया। 17 से 22 तक हमने अपने चुनावी क्षेत्र में हर गांव में कुछ ना कुछ काम कराने का प्रयास किया। कहीं क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 400 गांव हैं, और बजरों सहित तो और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमने प्रयास किया कि हर गांव में कम से कम एक काम हम जरूर, भले ही पेवर वृक्ष की सड़क बन जाए, सीसी की सड़क बन जाए, नाली बन जाए, शौचालय बन जाए, या मंदिरों पर टीन सेट करा के बैठने के लिए लोगों को व्यवस्था हो जाए, और भी विभागों के काम विधायक निधि के साथ साथ अन्य काम भी कराए। बड़ा काम हमारा आपके उस कार्यकाल में हमारा देवगढ़ ओवर ब्रिज जो है, हम अपनी सांसद उमा भारती से लड़े कि बहन जी सब कुछ करो लेकिन ये पुल हमको चाहिए। तो बोले जिद काय कर रहे, हमने जिद इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं कितनी देर हम खड़े रहते हैं, और उस ब्रिज को पास करा के जब काम लग गया तब हमने उनका पीछा छोड़ा था। आज वो तैयार होकर जनता के उस पर देखो निकल रही है। ठीक इसी तरह आपने देखा होगा रेलवे के कई अंडर ब्रिज बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आप उठा के अभी रिकॉर्ड देखेंगे तो मैंने DRM को कई पत्र लिखे। और बांधों की बात करें, जो बांध हमारा भावनी का पूरा नहीं हो रहा था उसको कंप्लीट करा लिया। कचुनादा बांध को कंप्लीट कराने के लिए हमने पत्र बराबर सिंचाई विभाग को और सिंचाई मंत्रालय को लिखे। सड़कों का जाल आप देख रहे हो, राजघाट से जखौरा को जो रोड जाती थी वहाँ सड़क थी ही नहीं, आज वहाँ से आदमी मुश्किल से 20 मिनट में जखौरा पहुँच जाता है। जखौरा से बांसी भी, ललितपुर से जखौरा की जो रोड है इसको अभी हम 2 लाइन की रोड बनवाने जा रहे हैं, और ये भविष्य में बनेगी। इसी तरह आपका ललितपुर से राजघाट का रोड CRF फंड से इतनी बढ़िया सड़कें बनी हैं, आज भी उन पर देखिए इतने साल हो गए बने हुए, 7-8 साल, लेकिन कोई सड़क ख़राब नहीं हुई। ये क्वालिटी, ये सड़कें सब हमने अपनी सूझबूझ से, अपने बौद्धिक स्तर से सरकार से लेकर के यहाँ बनवाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज है, उस समय हम एरोड्रम पर विशेष ध्यान दिए। जमीन खरीदने के लिए कुछ अंश शेष रह गया था, उसके लिए हमने अब सरकार को कहा है कि जो रजिस्ट्री नहीं करने आ रहे हैं उनका जमीन का अधिग्रहण करने के लिए हमारे यहाँ से कार्रवाई उसकी प्रारंभ कराई जाए, ताकि उसको मुआवजा नहीं लेना है तो नाले, और जब मुआवजा लेना हो तो विभागीय खाते में जमा रहे, वो अपना आके मुआवजा ले ले। तो जैसे ही ज़मीन की खरीद इस बार हो जाती है अधिग्रहण के साथ ही, तुरंत आप देखेंगे हवाई पट्टी को डेवलपमेंट करने का काम शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा बल्क ड्रग पार्क, जो भले ही हमारी विधानसभा में नहीं लेकिन वो जिले में तो है, सामूहिक आवाज़ तो कहीं ना कहीं, सामूहिक आवाज़ के आधार पर 2,000 एकड़ में उस ड्रग पार्क को बनवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही हवाई जहाज का उतरना यहाँ शुरू होगा, उस ड्रग पार्क की क्वालिटी आपको यहाँ देखने लगेगी, और कम से कम 20-25 हज़ार लोग ललितपुर जनपद के उसमें रोजगार करेंगे, ये व्यवस्था हम करने वाले हैं। दूसरी बार प्रचंड बहुमत जब आपको मिला, कैसा महसूस कर रहे थे? देखिए अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट टाइप की, उस समय शुरुआत में जब टिकट का वितरण हो रहा था 35 लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे। हम तो चूंकि चुनाव लड़े थे तो हमने टिकट मांगा नहीं था, हमने ये कहा था पार्टी का निर्णय सर्वोपर, पार्टी चाहे तो लड़ाए, और नई पार्टी किसी को लड़ाना चाहती तो उसको जल्दी टिकट दे, क्योंकि नए आदमी को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। तो चूंकि लोगों ने यहाँ जो टिकटार्थी थे उन सब ने एक ही बात कही थी कि रामरतन कुशवाहा की जमानत जब्त हो जाएगी, तो वहाँ पार्टी नेतृत्व हमारा शंका में था
कि ऐसा नहीं हुए सही हो जाए। तो जब हमने कहा उनसे कि आप अगर हमको टिकट देंगे चुनाव लड़ाएंगे तो 1,00,000 वोट से जीत कर आएंगे, तब हमारे संगठन मंत्री ने कहा मैं विश्वास करके टिकट दे रहा हूँ, जीत के ही आना है। और आप सब देखेंगे ललितपुर में वोटर्स में भी बड़ा आक्रोश था, लेकिन चुनाव पर आते आते जनता ने जो आशीर्वाद दिया उस जनता के आशीर्वाद से आज प्रदेश में टॉप 10 में कम से कम 8वें नंबर पर आपका विधायक गिनती में रहता है और लोग एहसास करते हैं प्रदेश के कि हमारा विधायक अच्छा है। आज लोकप्रियता में हम ये कहते हैं घमंड करता है आदमी, किस बात का घमंड? अरे जनता ने जो सम्मान दिया उस सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जनसेवक के नाते जनता की सेवा में हम अग्रणी हों, जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं का समाधान करें, उनके जो काम होने हैं उनको करें, ये जनसेवक की बात होती है। जनसेवक का मतलब ही यही होता है और उस आधार पर मैं जनता के बीच में रहने का पूरा प्रयास करता हूँ। जी थोड़ी चूंकि आपके जीवन की जो कहानी समझ में आई उसमें एक चीज़ तो आई है कि तमाम लोगों ने आपका सहयोग किया है। बिल्कुल सही बात है, कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं है हमारे परिवार का। मैंने जैसा बताया कि सब खेती करने वाले हैं और भाइयों का भी राजनीति में कोई सहयोग नहीं, ये तो पार्टी का नेतृत्व और यहाँ के जनता का आशीर्वाद, दो चीज़ों ने मुझको इस स्थान पर मैं इस मुकाम पर पहुँचाया है, जिसके लिए मैं निरंतर अपनी जनता जनार्दन का आभारी हूँ और पार्टी नेतृत्व। जी जातिवाद, चूँकि राजनीति में जातिवाद का एक स्थान होता है, कई लोगों ने आपको जाति से जोड़ने का प्रयास किया होगा। ये तो सौरभ जी आपने खुद देखा होगा, मैं जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी पूंजी को संभालने का काम भी करता हूँ, जाति जोड़कर रखता हूँ और जाति के साथ सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। आज 1,80,000 वोट मिला, जाति का 60,000 वोट है। अगर हम चार चार लोग प्रत्याशी होते हैं, सपा से भी कुशवाहा लड़ रहा, जन अधिकार पार्टी से कुशवाहा लड़ रहा, निर्दलीय पार्टी से भी कुशवाहा लड़ रहा, चार लोग लड़ते हैं, तब मैं 1,08,000 से जीता। इसमें हमारी जनता का जो श्रेय है, जनता का जो मताधिकार है, सर्वाधिक मात्रा में यानी 50% से ऊपर का वोट रामरतन कुशवाहा को मिलता है और सभी समाज का वोट 1,20,000 25,000 वोट अदर समाज का जो वोट मिलता है मुझे, उस वोट से मैं लाखों वोटों से जीतता हूँ। आज आपके कहें कि निष्ठा भाव कह लीजिए, लोगों के प्रति एक झुकाव कह लीजिए, सरल भाव कह लीजिए, इसके कारण भगवान ने आपको सब कुछ दिया। मौजूदा समय में एक पल जीवन में ऐसा होगा जहाँ पर आर्थिक तंगी भी आपके साथ जुड़ी होगी? आर्थिक तंगी ऐसी थी कि मैंने अपने मजदूरी का काम किया है, ये सर पर तसला डाल के मिट्टी डालने का काम किया है, अपने घर की सब्जी को बेचने के लिए सर पर डलिया रख के बाजार में बेचने जाता था माँ के साथ, ये सब काम हमने किए हैं। बहुत आर्थिक स्थिति तो ये कह सकते हम कि भगवान की कृपा है, ये तो कि 82-83 के बाद हमारे परिवार की हालत बदली, उसके पहले हम लोग दूसरों की ही मजदूरी करते रहे, अपना घर चलाते रहे, पढ़ाई करते रहे। एक दृष्टांत आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 5 का जो जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम जूनियर का होता था, उसमें जब मैंने 84 नंबर 1 स्कूल से कक्षा 5 उत्तीर्ण किया तो ललितपुर जनपद को नंबर 1 पर आया, पुरस्कार वितरण हो रहा था, चौबे हरिहर नारायण चेयरमैन थे उस समय, तो मुझे इनाम में एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक मग्गा तौलिया और साबुन की डिब्बी मिली। सेकेंड प्राइज़ वाले को लोटा गिलास था, मैंने वहाँ कहा मुझे लोटा गिलास दे दो भैया, मेरे ज़्यादा काम आएगा, ये सब पहले इनाम इनको दे दो। तो लोग कह रहे थे नहीं पागलो, इनाम नहीं बदली जाती है। हमने कहा हमें ज़रूरत प्लास्टिक की, ये कितने दिन चलेगी, लेकिन लोटा गिलास हमारे यहाँ ज़्यादा चलेगा। इस तरह की स्थिति थी कि उस समय हमको ज़रूरत जैसी थी हमने वैसा बर्ताव किया, और एक जोड़ी कपड़ा में काम उसी को धोते थे, उसी को पहनते थे। हमारे हेडमास्टर ने कहा जाओ दूसरे कपड़े पहन के आओ, आज तुमको इनाम मिलना है, ललितपुर टॉप किया है तुमने। हमने कहा देखो माँ साहब, हमने जो कछ हुए सो जो ही है कपड़ा, चाहे ये पहनवाओ चाहे उतरवा दो, लेकिन हम यही कपड़ा पहन के चले, दुआनो हो इनाम सो दुआओ। ये घटना हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ हुई, कारण चौबे हरिहर नारायण जी ने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि देखो एक गरीब किसान का लड़का जिसके ना खाने का इंतजाम है ना कपड़े पहनने को है, वो आज ललितपुर टॉप कर रहा हो, पैसे वालों के लड़के मक्कारी कर रहे हैं। उस समय से मैं लगातार प्रयास में रहा हूं कि मैं आगे बढ़ूं और पढ़ूं। भाइयों का कैसा साथ रहा? भाइयों ने मुझे पढ़ाने में बहुत मदद की, मेरे भाइयों ने। आज अगर वो हमको चाहते तो मैं भी खेती कर रहा होता, लेकिन उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से खेती करके मुझे पढ़ाने में सहयोग किया, उनकी दम पर ही मैं पढ़ पाया।
और शादी मेरी दुर्भाग्य है कि मेरी पिताजी शादी से पहले एक्सपायर हो गए। संयोग से माता मेरी शादी में रहीं, माताजी कई वर्ष जीवित रहीं। आज माता पिता नहीं है, इस बात का कष्ट रहता है, लेकिन उनका जो कर्तव्य था, उनका जो कर्म था, उसकी बदौलत आज राम रतन इस सम्मान के पद पर पहुँचे हैं। इसलिए मैं अपने माता पिता को भी याद करके गंभीर हो जाता हूँ। निश्चित रूप से आज जो स्थिति है, हर समाज में राम रतन कुशवाहा को पूछा जाता है, हर समाज का व्यक्ति सम्मान करता है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज राम रतन, कल तक कुछ नहीं थे, आज भगवान ने तुमको सब कुछ दे दिया। वो आज वही ताकत जनता जनार्दन की हमको इसलिए प्रेरित कर रही है कि विधायक जी आपको सांसद का चुनाव लड़ना है। और मैंने जो पार्टी को कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से कहा, प्रदेश अध्यक्ष को कहा है, अपने संगठन मंत्री को, कि हमको एक मौका दीजिए, या तो हमको मंत्री पद हासिल कराइए ताकि हम अपने ज़िले की और प्रदेश की सेवा कर सकें, अथवा मुझे सांसद का चुनाव लड़ाइए। मैं इन दोनों में से एक जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से चाहता हूँ। अच्छा, आखिरी में थोड़ी चुकी तमाम चर्चा हो गई, वाइफ का किस प्रकार का सपोर्ट रहा, प्लस शादी कैसे हुई आपकी? शादी हम बुंदेलखंड कॉलेज में पढ़ते थे जी, रोजाना अप डाउन करते थे। हमारी सासू माँ ललितपुर में रेलवे में पानी पिलाने का काम करती थी जी। उनको किसी ने बताया कि लड़का ये है, और तो हमने पूछा ठीक है भाई, शादी तो करनी ही है। तो लड़की को देखा, हमें ये पता नहीं था उस समय कि ये लड़की यहाँ पढ़ती है। हम लॉ कर रहे थे, वो बीए कर रही थी। लोगों ने कहा कि तुम लोगों की लव मैरिज हुई है, बहुत लोग कहते हैं। हमने कहा नहीं, हमने तो तब देखा जब लड़की हमको दिखाई गई घर पे, और शादी में भी पहले बड़ी नोकझोंक हुई, और फिर आज जीवन देखिए, पत्नी के सहयोग से, पत्नी ने जो काम किया, राजनीति में जो हमारा साथ दिया, हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है हमको आगे बढ़ाने में। बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मजबूती से काम करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं। आज हम विधायक हैं दूसरी बार, लेकिन विद्यालय आज भी एक एबसेंट नहीं होती है, नहीं तो लोगों के परिवार के राजनीति में जिन्हें होते हैं वो घरों में बैठाते हैं और हाजिरी भरी जाती है घरों पर, हमने देखा है। लेकिन नहीं, हमारी पत्नी कहती है विधायक आप हैं, मैं अपनी नौकरी। बच्चे और परिवार किस प्रकार से काम कर रहा है आज के समय में? बच्चे और परिवार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। एक बेटा है, दो बेटियां हैं, संयोग से दोनों बेटी हमारी लखनऊ भी आई हैं। एक लड़का ऑडिट ऑफिस में दिल्ली कैग में है, ऑडिट ऑफिसर है। दूसरा लड़का हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। दोनों बेटियां हमारी बहुत अच्छी जगह पहुंची हैं, दोनों खुशहाल हैं। हमने भी उनको भरपूर शिक्षा दी, बेटे को बीएससी बीएड कराया है, लड़का एक ही है, लेकिन इसलिए अब वो हमारा राजनीति में। कोई जीवन में ऐसा कोई साथी, कोई ऐसा दोस्त बचपन से केजी स्मल, जब भी आप जो भी आपने प्रारंभिक शिक्षा की वहाँ से अभी तक, कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा साथ दिया हो? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि जिसने मुझे स्थायी रूप से साथ दिया हो, लेकिन हमारे जितने दोस्त बने, कोई हमारा दोस्त ऐसा नहीं निकला जिसने हमको नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया हो। सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर से मेरी मदद की है, समय समय पर लगातार मदद करते रहे। एक दोस्त जो हमारा है, आज हम मत कहना चाहेंगे, राजकुमार जैन जी, जो पार्टी का आज संयोग से हमारा जिलाध्यक्ष भी है, इसके यहाँ जब हमने लॉ शुरू किया, प्रैक्टिस जाने लगे, तो हम दोपहर का भोजन इनकी दुकान पर आकर करते थे। रोज़ हमको भोजन कराते थे, उनको पता था कि विधायक जी को भोजन करना है, वकील साहब को, और हम दोपहर छोड़ के इनके पास दुकान पर बैठ के, आज भी हम दुकान पर बैठते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ खाते पीते जरूर हैं वहाँ, ताकि हमारी मित्रता में कहीं ये भेद ना दिखे कि ये विधायक हो गए सो भाव बढ़ गए। हम चाहते हैं जनता के बीच में रह के जनता उंगली उठाकर ये ना कह पाए कि इसका दिमाग खराब हो गया। भगवान से प्रार्थना है मेरी कि मुझ में घमंड कभी ना आए। हाँ, एक बात का मुझे घमंड है, वो मैं आपसे साझा करूँगा। वो घमंड ये है कि मेरे साथ जनता का समर्थन है, जनता हम पर भरोसा करती है, और जनता के बीच हम रह करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए जनता का मुझे घमंड है, पद और पैसे का कोई घमंड नहीं। कोई पंक्तियां जो जीवन में हो, कुछ शेर शायरी जो भी आपको कुछ लाइनें आती कुछ है? नहीं, प्रभु की कृपा से रामायण बहुत पढ़ी है मैंने, और अभी मैंने विधानसभा में जब अपना वक्तव्य जारी किया जी, हाँ, तो मैंने भगवान श्री राम का स्मरण करके उस अपनी बात को शुरू किया था। निश्चित रूप से भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, आराध्य हैं, और उनका स्मरण करने के बाद मैं अपनी बात को स्वच्छंदता से रख सका था। नहीं तो पहले बड़ा डर सा लगता था विधानसभा में बोलने में,
क्योंकि जहाँ मुख्यमंत्री और पूरे 403 विधायक बैठते हों, उनके बीच में जनता में बोलना और जनता के बाद जनता के नेताओं को विधायकों के बीच में बोलना, एक अजीब सा थोड़ा सा महसूस हुआ। लेकिन आज इस बात को कह सकता हूँ कि आपकी जनता की कृपा से कहीं भी किसी भी मंच पर किसी भी विषय पर 5 मिनट पहले बता दिया जाए कि इस विषय पर बोलना है, उस विषय पर मैं बिना लिखा पढ़ी के बोल सकता हूँ। ये मुझे सरस्वती का इतना प्रभाव, राम मंदिर स्थापना हो गई आपकी सरकार ने कराई है कि तमाम एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको आज कहीं ना कहीं खत्म, बिल्कुल सही बात है। 500 वर्ष से जिस मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और सन 1949 से इस मुद्दे पर ज़्यादा तेज़ी आई। 49 के बाद इस लड़ाई को हमारे जो महंत थे, जो कहना चाहिए मठों के हमारे संत थे, उन सब ने इस प्रकरण को बहुत तेज़ी से उठाया। और उठते उठते कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी के टाइम में इस मंदिर के जो ताले पड़े रहते थे वो ताले खुले, लेकिन ताले खुलने के बाद उस पर कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। कार्रवाई चलती रही, मुकदमा चलता रहा, लेकिन जब से 2014 में माननीय मोदी जी आए, सत्ता संभाली, तो जनता जनार्दन के साथ साथ उन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के मुकदमों की फाइल को भी इंटरेस्ट लेकर के साक्ष्य इकट्ठा कराया। यहाँ से हाई कोर्ट से जो मुकदमा हुआ उसे जीते हम, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी बाबरी मस्जिद बुक वालों की तरफ से अपील की गई, सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य दिया गया पूरा। आप आश्चर्य करिए, हमारे जो चित्रकूट के संत हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो जन्मांध हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके साक्ष्य में जो सरयू नदी से राम जन्मभूमि की दूरी बताई, और सर्वेयरों ने जो नापतोल की, एक एक इंच वो स्थान स्पष्ट निकला कि ये राम जन्मभूमि ही है। जो एक जन्म से अंध संत अपना बयान दे रहा है वो गलत नहीं हुआ। पूरा सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों का अध्ययन किया और सर्व हिंदू समाज का जो मन मस्तिष्क था, जो भाव था, उसको समझते हुए, साक्ष्य को देखते हुए जनता जनार्दन के पक्ष में राम जन्मभूमि को मुक्त किया, बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटाने का आदेश किया। और फिर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके निर्माण की नींव रखी, और आज हमने अभी 2024 में भगवान श्री राम की 22 जनवरी को जो स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन दर्शन करने के बाद लोगों की आंखों से झरझर जो आंसू थे उनको भी देखने का काम किया। अभी हमारा पूरा मंत्रिमंडल बसों से, मैं मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के, केवल सपा के विधायक दर्शन करने हम लोगों के साथ नहीं गए, बाकी कांग्रेस, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा सभी विधायक, सुन के भी भाव होंगे कि जाना तो है लेकिन पार्टी नहीं। ये कहा जब हमारे मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी ने विपक्षी नेता अखिलेश यादव को कहा कि आप भी चलिए दर्शन करने, बोले नहीं, आप लोगों के कहने से नहीं जाएंगे, हमें भगवान बुलाएंगे। तो कई लोगों ने जवाब दिया कि भगवान जब बुलाते हैं तो कोई वापस नहीं आता है, इसलिए दर्शन करने चलो। बोले नहीं, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे हम दर्शन करने। ऐसा हाल है। इन लोगों को तो बढ़िया मौका दिया था हमारी सरकार ने, हमारे विधायकों ने, हमारे विधानसभा के मुख्यमंत्री ने कि आप लोग भी भगवान श्री राम के दर्शन करके अपने को सुधार लो, कुछ कर्म ठीक कर लो, जनता जनार्दन के बीच में जाने लायक हो जाओ। लेकिन जिनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, मंदबुद्धि हो जाते हैं, भगवान श्री राम खुद नहीं दर्शन देना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने ऐसा निर्णय लेने का काम। अच्छा, आखिरी में चूंकि बच्चे का जिक्र नहीं कर पाए, आपके बच्चे की क्या स्थिति है, ठीक ठाक है क्या, बिगड़ गए? नहीं, कोई बच्चा हमारा बिगड़ा नहीं, एक बच्चा है और हमारे भाइयों के लड़के हैं, वो भी सहयोग करते हैं, बच्चे भाइयों के ठीक है, निश्चित रूप से संस्कार हमारे बच्चों में है, संतुष्टि है अंदर, संतुष्टि है। मैं विभाग से और प्रदेश और जिले के प्रशासन से पूछता हूँ, प्रशासन के लोग कहते हैं विधायक जी आपका बेटा आपसे एक कदम आगे है व्यवहार में, तो मैं अपने आप को लगता है कि नहीं, हमारे संस्कार उसमें हैं। मैं बेटा हमारा श्रीकांत इस समय सहकारी बैंक का उपसभापति है, उसको भी राजनीति में अब इंटरेस्ट आने लगा है और सारे काम वही अधिकतर देखता है। जब हम बाहर रहते हैं तो जनता जनार्दन की सेवा वही करता है। किसी भी व्यक्ति ने आज तक शिकायत नहीं की बेटे की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो विधायक रामरतन कुशवाहा जी हमारे साथ थे, उनसे चर्चा की है, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चर्चा आज हम लोगों को जानने को मिली है।
और हमारा मन भी था कि चूंकि तमाम लोगों के हम लोगों ने इंटरव्यू किए हैं जीवन परिचय को लेके, तो विधायक जी रह गए थे, तो विधायक जी का आज हमने चर्चा की है और हमें भी बहुत कुछ उनके जीवन से जानने का प्रयास किया, किस तरीके से एक स्ट्रगल किया है, बिल्कुल सामान्य परिवार से रहे हैं, परिवार का सपोर्ट मिला, खुद का इच्छा एक कहें कि आत्मबल मजबूत रहा और लोगों के बीच में गए, जनता जनार्दन ने एक साफ छवि के नेता को चुना और दूसरी बार भी चुना और लोगों के बीच में पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं सदर विधायक रामतन कुशवाहा। आज उनका जीवन परिचय हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ।